वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर 8वीं जीत का जश्न देखिए। अहमदाबाद से नागपुर, सूरत से जम्मू तक महाजश्न। बहुत ही खुशी मिली जिस तरीके से ने इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, बहुत ही बुरी तरीके से हराया। पाकिस्तान को एक तरफा हराने के बाद फैंस में खुशी की लहर है, देश में दिवाली जैसा माहौल है। भारत ने पाकिस्तान को हराया, इजराइल खुश हुआ। भारत जब जब पाकिस्तान के सामने आता है वर्ल्ड कप में, तब तब पाकिस्तान को ऐसी ही हार झेलने को मिलती है। पूरे देश को बधाई हो, रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेली है। रोहित शर्मा के सिक्स पर गूंजा भारत माता की जय। भारत माता की जय। दीपावली से पहले एक और दीपावली मनाने का आपको सेलिब्रेशन का अवसर दिया है। पाकिस्तान पर महाविजय, महाजश्न। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। वर्ल्ड कप में जिस मैच का इंतजार पूरी दुनिया को था और जिस नतीजे का इंतजार पूरा भारत कर रहा था, वो मैच और वो नतीजा आ चुका है। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया और उसके बाद 140 करोड़ भारतीय जश्न में डूब गए। यह नज़ारा भारत के महाविजय के महाजश्न का है। पूरा देश जश्न मना रहा है, शहर शहर तिरंगा लहरा रहा है। ये जश्न है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की लगातार 8वीं जीत का। विश्व कप क्रिकेट में अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को 7 विकेट से शानदार जीत मिली है, जिसके बाद क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में भी लोग खूब जश्न मना रहे हैं। भारत की शानदार जीत के बाद पूरा रांची जश्न में झूम उठा। अल्बर्ट एक्का चौक पर लोगों ने पटाखे भी फोड़े। वहीं टीम इंडिया के जीत पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। रोहित शर्मा के खेलने से और जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग करके वो अपने टीम को इंडिया को ऐसा दिलाया कि जो उसका यादगार रहेगा। और रोहित शर्मा ने बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ 191 रन पर ही ढेर हो गई। उसके बाद कैप्टन रोहित शर्मा की तूफानी 86 रन की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को विश्व कप में हरा दिया है। मुजफ्फरपुर में भारत की जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया गया है। भाई मेरा खाएगा, भाई जीता, इंडिया ने जीता है मेरा।
बहुत ही ज़्यादा खुशी है, हर्षोल्लास का माहौल है। आप देख ही सकते हैं, जितने दर्शक थे यहाँ पे सब लोग इंजॉय किए, सब लोग अच्छे से मैच को देखे, पूरा मैच देखे, पूरा मैच देखे। सबसे अच्छा बेस्ट मोमेंट था रोहित शर्मा का पारी, शतक से चूक गए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही खुशी रहा, खुशी एकदम जोश के साथ। पूरा मैच देखे रोहित शर्मा का हाफ सेंचुरी, 80-82 रन की पारी, श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरी और बुमराह जिस तरीके से बॉलिंग कराया काफ़ी अच्छा लगा। भारत की जीत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी खुशी जताई है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज मैंने पहले ही कहा था कि भारत क्रिकेट हो या रन का मैदान हो, पहले भी जीता हूं, आज भी जीतूंगा, और आज पाकिस्तान को भारत ने छक्का छोड़ा करके परास्त किया। मेरा निवेदन है कि भारत का जीत आज आतंकवादियों को प्राप्त